तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी को चालू करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ चैट जीपीटी, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं chatgpt.com लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए चैट जीपीटी आ चुका है। तो इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप नॉर्मली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने से आपको एडवांस फीचर्स आपको मिलता है। तो उसके लिए आपको सबसे ये कोना में साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके लिए आप अपना मेल आईडी या फिर फोन नंबर या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर एप्पल आईडी यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप गूगल का आईडी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल में क्लिक करूंगा, तो मेरा जो गूगल अकाउंट इस ब्राउजर में लॉगिन है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। देखिए खुल चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्च किया कि आज क्या है, तो वो आज सैटरडे है, अक्टूबर 26, 2024। तो ऐसे करके आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका पढ़ाई का कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, ये लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखिए वो मुझे एडमिशन के लिए एक लेटर लिख के दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे करके चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको हेल्प हुआ है। अगर हुआ है तो ज़रूर वीडियो में एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।